आप सबके यहाँ ठंड का क्या हाल है, कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है इन दिनों, इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी है, हद से भी ज़्यादा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मेरा झाड़ू का काम चल रहा है। साथ में मैंने लगा दी है मशीन, और पीछे का आंगन है वो मैंने साफ़ कर दिया है। बर्तन साफ कर लिया एक बार, अभी मेरी स्लेब साफ़ करनी है और सब्ज़ी मम्मी को मैंने कट होने के लिए दे दी है। तो यहाँ पे पोचा लगना है अभी। बाकी पूरा झाड़ू झूड़ू का काम हो गया है और आंगन की झाड़ू भी बाकी है, वो मैं लगा रही हूँ। बीच में लगा दी है मैंने मशीन। खूब सारे कपड़े हो रखे हैं और रूम सारे साफ़ हो गए हैं। मेरा रूम है वो साफ़ होएगा, और जो हमारा गेस्ट रूम है वो लेट साफ़ होता है, उसमें मम्मी रहती हैं, देर तक बच्चे भी सो रहे हैं। तो सबसे पहले आंगन की सफाई कर लेते हैं। और आज धुंध बहुत ज़्यादा आ रखी है, आपको दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा धुंध आ रखी है, बहुत ज़्यादा। ये मेरा ट्राईपॉड, तो अभी झाड़ू निकाल लेते हैं पहले। तो दोस्तों आंगन की झाड़ू लगा लेते हैं। अंदर की सारी झाड़ू मेरी हो चुकी है, यहाँ पे ओस की वजह से गीला गीला हो जाता है बिल्कुल, और बच्चे छिलके वगैरह बहुत सारे खिला देते हैं, तो इतना ज़्यादा कूड़ा हो जाता है। तो यहाँ की सफाई कर लेते हैं, बाकी हमारा सफाई का काम हो जाता है कम्प्लीट। इतनी सफाई बाकी रहे, साथ के साथ कपड़े भी धुल रहे हैं, और सब्जी और रोटी बाद में, वो खाना बनाना है, और बाहर का काम मेरी सिस्टर कर रही है, तो साथ के साथ पूरा काम ख़त्म हो जाता है। तो अंदर की मेरी पूरी सफाई हो चुकी है, और कपड़ों का दूसरा राउंड मेरा चल रहा है अभी। उसके बाद जूते हैं, फिर एक राउंड और चलेगा, तो कपड़ों में भी टाइम लगेगा। और कुछ मैंने सुखा दिए, जो गर्म कपड़े थे वो धुले थे मैंने, तो वो सुखा दिए। और बहुत ज़्यादा ठंडा है, बिल्कुल बारिश जैसे पड़ रहा है, धुंध बहुत ज़्यादा गिर रही है। आपको दिखाती हूँ कपड़े। तो यहाँ पे एक राउंड कपड़े मैंने सुखा दिए, और यहाँ पर पशुओं को चारा डाल रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे स्वेटर टावल, मनन का स्वेटर और बाकी के कपड़े अभी धुल रहे हैं। और पशुओं को बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है आजकल, बहुत ज़्यादा। और धुंध देखिए किस तरह से हो रखी है। अभी 9:30 का टाइम हो गया है दोस्तों। गांव का खाना छाछ के बिना अधूरा होता है, तो यहाँ थोड़ा सा दही है, उसमें मैं थोड़ी सी छाछ मिलाऊंगा, और गर्म पानी मिलाकर इसको मदाने लगा देते हैं। गर्मियों में तो हमें बर्फ़ डालनी पड़ती है, और सर्दी में हम गर्म पानी डालते हैं, तो इतना सा दही है, इसको हम छाछ बना लेते हैं। छाछ के साथ रोटी आराम से खा सकते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, गाँव में छाछ के बिना खाना बिल्कुल अधूरा रह जाता है। तो अभी मैं मदाने लगा देती हूँ, छोटी सी देगची उसमें लगाती हैं। पहले तो हम बिलौने में लगाते थे, लेकिन आजकल वो बातें ख़त्म हो चुकी हैं। अभी तो स्टील के वो सिल्वर के बर्तन है, इन्हीं में हम छाछ बना दें, दूध रखते हैं। पहले मिट्टी के बर्तन में दूध रखते थे, उसमें ही हम छाछ बनाते थे। तो 2-3 बर्तनों में दही था, वो सारा मैंने मिक्स कर दिया है, और अभी इसके मदाने लगा देते हैं। तार थोड़ा छोटा हो गया और कट भी लग रखी है, थोड़ा सा डर लगता है, तो सेट कर देते हैं और मदाने लगा देते हैं। थोड़ा सा घी होगा वो निकाल लेंगे, साथ के साथ छाछ भी बन जाएगी और चूटियाँ भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मदाने भी लगा दी है, फिर मैं बनाऊंगी कड़ी, छाछ बन जाती है। तो कुछ मैंने छाछ डाल दी थी कल, मेरे मायके से आई थी छाछ, दूध छाछ चावल सब कुछ आए थे, और चावल अभी तक यहाँ पे रखे हुए थे। कल आए थे चाचा जी, वो लेके आए थे, तो मैंने यहाँ पे रख दिए चावल। अभी अंदर शिफ्ट करनी है इनको किसी और बर्तन में। तो सब्जी मम्मी मेथी कट करती होगी, एक मेथी आलू की बनाऊँगी और कड़ी। मेथी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और साथ में बनाऊँगी चावल। तो आजकल मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है, तो मैं सिंपल खाना खाना पसंद करती हूँ। चावल बनाऊँगी अपने लिए, और बच्चों को भी चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों इतनी ज़्यादा ठंड है, हाथ बिल्कुल सुन्न पड़ गए, ये देखिए कैसे हो चुके। तो मैं लेके आई हूँ गाजर का हलवा, वो खाएंगे। हमने दोबारा से बना लिया, उसका वीडियो मैंने बिल्कुल नहीं बनाया। दूध आया था मैं कैसे, भाभी ने भेजा था, तो मैंने दोबारा से गाजर का हलवा बना लिया, गाजर पाक बना लिया, और पूरा सामान मैं यहाँ पे ले आई हूँ, सब्जी का और चाय का। तो कुछ देर के लिए यहाँ मेरा पूरा काम चलेगा। पर मेरा मटर, धनिया, हरी मिर्ची, ऑयल, अटड़ी, मसाले सूखे, और प्याज, आलू सब कुछ मैं यहाँ ले आई हूँ। ये मेरा हलवा अभी खाते हैं पहले। सर्दी में सब लोग चूल्हे के पास या बिस्तर में मिलते हैं, और कहीं नहीं मिलेंगे आपको, छोटे बड़े सब लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, और चाय भी बन जाती है। सब्जी की ओण ला रही है तैयारी, आलू प्याज और मेथी की सब्जी, और चावल बन ला रही है, चावल की तैयारी चल है, और भंडा ठंडा तो हाल ही कौन।
खड्डे बना ला रही हूँ, चाह बना ली, सागा दूध गर्म कर लिया। और दूध गर्म हो गयो, आया पड़ी रंगजड़ चाह। सुबह सुबह ठंड भी बहुत है, सब तैयारियां चल रहा है, कबाड़ खानो देख लियो थे ठंडियो पड़ी है चूल्हे कन तो। ओ ये आलू है, हाँ लियो जी, सब्जी होन ला रही है तैयार। तो दोस्तों भी 11:30 का टाइम हो चुका है, मेरी सब्जी कड़ी चावल बन चुके हैं और रोटी में अभी टाइम है। अभी पति देव जी बिजी है, देवर जी बिजी है, तो भी खाना नहीं बनेगा। और एक बार थोड़ा ब्रेकफास्ट हो चुका है आज हल्का सा, तो थोड़ा सा लेट खाना बनेगा। और धूप बाय बाय कर चुकी है, कल एक दिन के लिए आई थी। और मेरे कपड़ों का काम भी लगभग फिनिश हो चुका है, लास्ट राउंड मेरा चल रहा है। तो एक तनी भार भरी हुई है, जूते खूब सारे धुले हमने, और अभी नहाएंगे, पानी गर्म रखते हैं थोड़ी सी देर के लिए। मैंने सब्जियां डाल दिया, आलू मटर ये सब, और यहाँ आलू मेथी, और यहाँ पे कड़ी। अभी बनानी है रोटी बाकी, और बाकी का खाना हमारा बन चुका है। ये सब्जी देखकर खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन मेथी का टेस्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और चावल और कड़ी मेरी फेवरेट है, बहुत ज़्यादा फेवरेट है, ये तो सबकी फेवरेट होगी। तो दोस्तों अभी दोपहर के 12 बज चुके और मैं नहा ली हूँ, बाल अभी कंघी नहीं हुए मेरे, और स्वेटर निकाल दिए, जुराब दोबारा से डाल लिए। जुराबों के बिना मेरा बिल्कुल पागल जैसी हो जाती हूँ, पैर बहुत ठंडे होते हैं। और अभी काजल मैंने नहीं लगाया, घर में बनाया काजल में हम डेली में यूज करते हैं। और अभी रोटी बनाना बाकी, बहुत ज़्यादा धुआं हो गया है यहाँ पे, तो रोटी मैं वेट कर रही हूँ, सब लोग आते हैं फिर बनाएंगे।